नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिविन। ये जो रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है, इसमें उधार किस तरीके से मैनेज किया जाता है, यानी क्रेडिट। कस्टमर आपके पास आती है, उधार लेके खाना खाएंगे जाएंगे, खाना खाएंगे जाएंगे, मंथली हिसाब लेके आती है, राइट और नो? तो किस तरीके से वो मैनेज हो सकता है, वेरी सिंपल वे में आप इस रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर में कर सकता है। उसके लिए सबसे पीछे आपने इसका जो बैक ऑफिस में जाना है, जो एडमिन पैनल, वहाँ देखो, आपको देखो क्रेडिट कस्टमर बोल के एक बटन दिया हुआ दोस्तों, क्रेडिट कस्टमर। आप इस पर क्लिक करिए तो एक सबसे पहले क्रेडिट कस्टमर को इसके अंदर ऐड करना है। कोई भी एक नया आदमी आते हैं, उसके नाम ऐड कर दीजिए, उसका अकाउंट नंबर कुछ भी एक नंबर डाल दीजिए आपने, और कस्टमर का नाम आपने डालो सुमित, SUMIT, सुमित एग्जाम्पल के तौर। उसका नेम एड्रेस वगैरह है तो डालिए, YKMKOTTAYA, ओके। और कॉन्टैक्ट नंबर आप है तो डालिए 34, एग्जाम्पल 36978, आप 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है ना, वही आती है। तो सुमित बोल के जो कस्टमर है, हमने इसको ऐड कर दिया, बस हो गया, खलास, इसको क्लोज कर देना। बस मात्र कस्टमर को आपने ऐड कर दिया। तो जब भी सुमित आके खड़ा है, उसको कुछ आइटम सेल करना है, तो क्या करेंगे, उसको अपना जो सेलर पैनल लेंगे जो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर का, सुमित को बोले आप, सुमित आपको क्या क्या चाहिए? बोला बर्गर में कुछ लगाओ, बर्गर कहाँ, पिज्ज़ा में कुछ लगा दो, यस, बर्गर में कुछ लगा दो, यस। तो बोला भाई 1341 रुपीज़ आया टोटल, क्या करना है, पैसा है या उधार? तो आपने बोलो, उन्होंने बोल दिया आपको सीधा उधार रखो, मैं बाद में देते हो, हिसाब मंथली देते हैं। सो सबसे नीचे इधर एक बटन दिया हुआ दोस्तों, क्रेडिट, ठीक है ना, उसको सेलेक्ट करिए। सुमित को बोलो, सुमित तुम्हारा उधार है 1341, अगले बार लेके आना और बाद में मंथली लेके आना। बस आप इसको सेवानिवृत्त करिए, पुराना बिल है सब, सेवानिवृत्त करिए, सब नया बिल इधर प्रिंट हो जाएंगे, और सुमित का जो बिल भी आपको प्रिंट आउट करके देंगे। कैश ड्रॉअर भी खोल गया, देखो एक KOT के लिए एक आया हुआ है, उसको जो खाना खाया उन्होंने उनका बिल भी दिया हुआ है, ठीक है जी। तो सुमित ने एक बार आगे खा के चला गया, उसका अकाउंट इसके अंदर सेव हो गया। तो सुमित और एक बार आया, उन्होंने उनको सुमित को पूछा, सुमित आपको क्या क्या चाहिए? तो लगाओ कुछ नॉर्थ चाइनीज में कुछ लगा दो, इंडिया में कुछ चपाती कुछ लगा दो बस, और कार्ड्स में जाइए, उस सुमित को सेलेक्ट करो, यस, सेवन डबल करिए। बस मैंने सेवन प्रिंट कर दिया, पूरा बिल प्रिंट आउट हो गया, गैस रोड हो गया, पूरे हंगामा चालू हो गया, देखिए। तो ये भी आ गया, देखो बिल भी आ गया, KOT भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसके बाद ये सुमित ने कुछ पैसा आपको एक दिन आ गया, कुछ खाने नहीं गए, कुछ पैसा दिया एडवांस, कहाँ एंट्री करेंगे दिखाता हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, इसके एडमिन बैलेंस में जाकर के देखो, कस्टमर क्रेडिट कस्टमर में ही क्लिक करिए, कस्टमर रिसिप्ट में क्लिक करो, वो कस्टमर को इधर सेलेक्ट करिए अपना सुमित, उनके करंट आउटस्टैंडिंग 3084 रुपीज़ है, 384 रुपीज़ 57 पैसा। तो उन्होंने कुछ कैश दिया हुआ है, समझ लीजिए 1000 रुपीज़, ठीक है जी। आप इसको सेव करिए, यानी उन्होंने कोई डायरेक्ट कैश दिया तो इस तरीके से सेव कर सकता है, ठीक है। इसको उसके बाद आपने इसका लेडजर देखना है, इसको देखो बीच में दिख रहा है ना आपको लेडजर, लेडजर में क्लिक करिए आपने उसको, सुमित का रिपोर्ट अगर देखना तो व्यू रिपोर्ट करिए, देखिए 2 बार उन्होंने उधार लिया था, देखिए, और 1 बार उन्होंने पेमेंट किया था, और अब भी करंट आउटस्टैंडिंग यह है 2084 रुपीज़ उन्होंने हमको देना है, सीधी सी साहब। और एक बार हम उसको सेल करके देखते हैं। अभी सुमित को बहुत भूख लग रहा था, सुमित को हमने बोल दिया भाई जो कुछ खाना है तो खा लीजिए, तो उन्होंने हमको बोला भाई कुछ बर्गर में कुछ लगा दो, और राइस में कुछ लगा दो, केरला राइस है ना, वगैरह वगैरह, यानी वो क्रेडिट में जाइए और सुमित को सेलेक्ट कर दिए। फिर सुमित का जो सेलेक्ट करते वक्त तो आपको दिखा देते हैं करंट आउटस्टैंडिंग क्या है, और सुमित को फिर सेल कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। बिल भी आ गया आपका, ये भी आ गया आपको, देखिए ये सब आप एक बार देख लीजिए क्या क्या आ रहे हैं, एक बार आप उसको थोड़ा सूम करके दिखाइए, ठीक है ना। और KOT जो आती है, सुमित को किचन में जाकर के वो जो KOT लेके जा सकता है, ठीक है ना, तो ये सब लेके जा सकते हैं आराम से उसको, और बस हो गया ना जी। अभी उसको फॉर एग्जांपल मंथ एंड हो गया, एंड ऑफ द मंथ, सुमित ने आके बोला भाई मेरा हिसाब ले लो, मेरे को पेमेंट करना है, तो आपने सीधा जाइए अपने बैकएंड में जाइए, क्रेडिट कस्टमर में क्लिक करिए दोस्तों, कस्टमर लेडजर में जाइए, आप सुमित को सेलेक्ट करिए, देखो सुमित व्यू रिपोर्ट, देखो दोस्तों 400 लास्ट टाइम जो उन्होंने परचेस किया था, जो खाना खाया ना जी, आपको दिखाई देते हैं ना,
479 सब मिलाकर के 2563 रुपीज़ उन्होंने देना है हमको। तो कैसे देंगे बोलो, 2563.87 2563 ओके। तो सुमित ने पेमेंट करने के लिए रेडी है, उसको सुमित को इधर सेलेक्ट करिए और इधर लिखिए आपका 2563.87 पूरा पैसा उन्होंने हाथ में दे दिया। इधर इधर ऑटोमेटिकली आता है उसके करंट आउटस्टैंडिंग क्या है, सेव करिए दोस्तों, क्लोज करिए, फिर उसको लेडजर जाके देखिए, सॉरी उसको सेलेक्ट करिए और सुमित को देखिए आपने, सुमित कहाँ है, व्यू रिपोर्ट बिल्कुल सिरो सिरो हो गए दोस्तों, यानी उन्होंने पेमेंट कर दिया हमको। देखिए इधर देखो पेमेंट कर दिया 2563 पेमेंट कर दिया, अभी उनको कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं, सब कुछ क्लीन क्लीन परफेक्ट। और दोबारा उन्होंने सुमित कुछ फिर आइटम्स खाने खाती है अभी करंटली, तो वो कैसे देखेंगे आपको, एक बार और देखिए आपने, जस्ट एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे जी आपको। फिर पिज्ज़ा में कुछ पिज्ज़ा वगैरह आइटम्स ऐड कर दिया और क्रेडिट किया, सुमित सेलेक्ट किया और कितना अमाउंट आ रहा है दोस्तों, 1,701,710.54 सेवा ने प्रिंट कर दिया, सुमित को ही नाम पे बिल कर रहे हैं क्योंकि सुमित को हमने इधर से सेलेक्ट किया था, बिल और बारकोड सब कुछ आया हुआ है, कैश ड्रॉअर भी खोल गया। अभी फिर सुमित का अकाउंट थोड़ा खोल के देखते हैं कितना आया हुआ है। क्रेडिट कस्टमर में जाइए आपने और कस्टमर लेडजर में जाइए और सुमित को इधर सेलेक्ट करिए, सुमित वो डेट वाइज आपने चेंज कर सकते। देखिए अभी करंटली इन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, आपको इनका जो एक मंथ के हिसाब से चाहिए तो देखो इधर है ना कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से आपने ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कस्टमर है, कितना भी कस्टमर है, सबका उधार क्रेडिट आपने प्रॉपर वे में हैंडल कर सकता है रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।